अभी हम सीन करने वाले हैं जिसमें आई गो टू स्कूल एंड आई एम लाइक ड्रेस लाइक दिस एंड इट्स इंटेंस इट्स अ लॉट बट दिस इज द रीजन व्हाई आई लव एक्टिंग दिस इज द रीजन व्हाई आई डू व्हाट आई डू लुक एट दिस हियर लास्ट वीक देखिएगा आई एम नॉट गोना पोस्ट दिस राइट नाउ मैं जब पोस्ट करो देख रहे हैं और बात की बात पोस्ट करोगे अगर ड्रामा पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छा बहुत है शेयर करें इसको फैलाएं और इस लड़के ने देखिए बड़ा बहुत बड़ा काम किया है अच्छा काम किया है और तो देखिए आप कैसा काम जाओ बिफोर ही इंटरप्टेड मी दिस इज द रीजन व्हाई आई लव एक्टिंग बिकॉज आई गेट टू प्ले स्टफ लाइक दिस जस्ट कॉमेडी कर रहा है अपने पीछे आई गेट टू प्ले एंड आई गेट टू डू सीन्स लाइक दिस It makes me understand what other people go through. It makes me understand their vulnerability, their, you know, I feel weird for any, but at the same time, I am any. It's just amazing, you know, acting is so, so fun to do, and I'm so blessed, alhamdulillah, ki aap logon ki wajah se main ye kar bhi paati hu, ki you guys like it, you guys watch me, that's why main ye kar paati hu. So, thank you so much. हेलो गाइस दोस्तों एना आसिफ शूटिंग सेट से ही स्कूल का होमवर्क करने लगी 14 साल अदाकारा ने 11 साल की उम्र में अदाकारी शुरू की थी अभी ओ लेवल का दाखला हुआ है कम उम्र दुल्हन के किरदार से शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा एना आसिफ ने कहा है कि अदाकारी की वजह से उनकी तालीम मुतासर नहीं हुई वो स्कूल जाती हैं और शूटिंग सेट पर ही होमवर्क करती हैं एना आसिफ मुतअद्दिद ड्रामों में अदाकारी कर चुकी हैं उन्होंने महज 11 साल की उम्र से अदाकारी का आगाज किया था अब उनकी उम्र 14 साल हो चुकी है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कम उम्र होने की वजह से उन्हें दुल्हन के मरकजी किरदार की पेशकश होने पर परेशानी हुई थी लेकिन उन्होंने वालदा और ड्रामे की टीम की मदद से इसे कर दिखाया एना आसिफ पढ़ाई कर रही हैं और हाल ही में उनका दाखला ओ लेवल में हुआ है उन्होंने बताया कि वो सुबह उठकर स्कूल जाती हैं जहां से डायरेक्ट गाड़ी उन्हें शूटिंग सेट पर ले जाती है जहां वो पूरा दिन रहते हुए स्कूल का होमवर्क भी कर लेती हैं रात को 10 बजे सो जाती हैं और सुबह उठकर 7 बजे स्कूल चली जाती हैं दोस्तों शोबिज़ सितारों के मुतालिक सच्ची और पक्की खबरें जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अमेजिंग फैक्ट्स 1-2-3 दोस्तों अगर आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा बहुत शुक्रिया